लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद शरीर। तो उन भगवान से एक तो हमारी बात ये मिलती है कि दोनों चेतन हैं, और एक यह बात मिलती है कि दोनों नित्य हैं। अरे पर वेद तो कहता है वो हमारा पिता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम गीता 9:18। एषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम 3:25-38 भागवत। अमृतस्य वै पुत्रा। अरे भगवान की परिभाषा ही यही है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ये सब प्राणी सब जीव उसी से पैदा हुए हैं। जातानि हमारा बाप है वो। बाप तो है मान लिया भाई, लेकिन हमसे सीनियर नहीं है। संसार में तो हर बाप सीनियर होता है बेटे से। हाँ संसार में होता है, लेकिन वो हमसे सीनियर नहीं है। तो इन दो बातों में हमारा उसका मुकाबला अगर हो तो हम हारेंगे नहीं, लेकिन और बातों में तो जमानत जब्त हो जाएगी। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो संकल्प करता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं, और हम संकल्प करते हैं तो बस करते ही रहते हैं, कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। संकल्प करो, फिर इच्छा करो, फिर सामान इकट्ठा करो, फिर नॉलेज भी हो तो एक कुम्हार एक सुराही बनाता है। सुराही, लेकिन जिसने मिट्टी बनाया, नथिंग से सब कुछ बनाया, उसका कमाल देखो। कमाल बताए आपको, ए आप आकाश देखते हैं? हाँ, कहाँ है? आप कहते हैं ऊपर है। ऊपर नहीं है आकाश, तो खाली जगह को कहते हैं। आप आकाश में बैठे हैं। आकाश में? हम तो जमीन पर बैठे। अरे जमीन पर भी बैठे हैं, लेकिन आकाश में बैठे हैं। अगर आकाश न हो तो दम घुट जाए, मर जाए। ये इसे कहते हैं सत्संग भावना आकाश।